चलिए डिकोड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कॉम्बैट का। क्वेश्चन में बोला है ट्रेपेज़ॉइडल से सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ पहले से ही है। तो यहाँ पर डिकोडिंग हम लोग जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है ट्रेपेज़ॉइडल रूल, फर्स्ट ट्रेपेज़ॉइडल रूल। सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 से 10 के बीच में जा रहा है और हमारे पास इंटरवल 3 है। ओके, तो सबसे पहले मैं एच की बात कर लेता हूँ। एच इज इक्वल टू होता है कि हमारे पास बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना एन, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, a की वैल्यू मेरे पास 1, ये रहा 1, और n की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 9/3 दैट मींस 3। इसका मतलब स्टेप लेने वाला वो 3 3 3 की स्टेप लेने वाला है। ठीक, अगर मैं बात कर लेता हूँ मेरे पास डेटाबेस, मेरे को चाहिए डेटा, क्योंकि 4 पॉइंट फंक्शन होने वाले, 4 हमारे पास पॉइंट फंक्शन बनने वाले। पॉइंट फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन का कंटेंट है, वो फंक्शन का जो कंटेंट मेरे पास, ये फंक्शन की जो वैल्यू मेरे पास है fx, या मैं बोल लूँ y, वो मेरे पास है x त्रिघात, दैट मीन्स x क्यूब, दैट मीन्स x का पावर 3। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे x की और x पावर 3, या y इज इक्वल टू x पावर 3 की, राइट। ओके, अब ध्यान से हम लोग देख रहे हैं कि कर कह रहे हैं, स्टेप हमको पता चल चुका है, स्टार्ट होने वाला है 1 से, तो ये हो गया 1, ऐड किया हमने 3 तो आया 4, ऐड किया हमने 3 तो आया कितना 7, और ऐड किया हमने 3 तो आया कितना 10। अगर आप n की बात करें तो ये मेरे पास आ गया n, दैट मीन्स 1 2 3, ये मेरे पास क्या आ गया बीच का इंटरवल। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पावर के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग 1 ले रहे हैं, तो x हमको वैल्यू निकालना है y इक्वल टू x पावर 3 की, तो x की 1 डाला तो आ गया 1 का पावर 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का पावर 3, 4 डाला तो 4 का पावर 3, 7 डाला तो 7 का पावर 3, 10 डाला तो 10 का पावर 3। ओके, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बिकॉज आप अगर इधर देखेंगे तो कुछ पावर 3 में हमको दिख रहा है, 1 का मतलब 1 का पावर 3, इट्स ओके, 1 का मतलब 1 का पावर 3, बन के हमने लगा दिया 1 का पावर 3 भाई, तो ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, अगर आपको पता ही नहीं कि ट्रेपेज़ॉइडल रूल है क्या, तो फिर तो खेल खत्म। बट अगर आपको पता है फॉर्मूला है क्या, तो फॉर्मूला क्या वो देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 1 to 10 fx dx इज इक्वल टू, लास्ट मैंने कॉम्बैट में ये बताया हुआ है, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और ब्रैकेट में लगाया यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्लस 2 into रेस्ट। ओके, ठीक, और वो इसके इक्वल आने वाला है, तो इस इक्वल टू मेरे पास जो है, जो कंटेंट गिवन है दैट इज 3 बाहर है, और ये मेरे पास है 1 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय प्लस 2 है प्लस g, और प्लस आपके पास 7 का पावर है। ओके, ठीक है, अगर मैं जब भी मैं क्लास में अपनी क्वेश्चन कराता हूँ, तो मेरे फेवरेट जो नंबर्स होते हैं, जब मैं नंबर्स लेता हूँ, जैसे ऐसे आपको बता रहा हूँ, तो जब मैं नंबर्स लेता हूँ 7 10, ये मेरे दोनों फेवरेट नंबर है, है ना, दोनों 7 7 से मैं रिलेट करता हूँ हमेशा, धोनी को 10 से मैं रिलेट करता हूँ, सचिन को, तो दोनों मेरे पास फेवरेट नंबर, तो ये मेरे पास बीच में आ गया जी, जी फॉर गेट। ओके, कैलकुलेशन में हम लोग आगे चलते, तो यहाँ पे हमारे पास h/2, तो h की वैल्यू आपके पास कितनी, वो रहा h वहाँ पे 3, तो वैल्यू डालते हैं ब्लू कलर से, तो 3/2, बहुत बढ़िया, फर्स्ट प्लस लास्ट वो रहा आपके पास। अच्छा, फर्स्ट प्लस लास्ट को पता होना चाहिए क्या, सो दिस वन इज y0 y1 y2 y3। ओके, तो y0 प्लस y3 दैट मीन्स 1 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 3, ये फर्स्ट और लास्ट हो गया, प्लस 2 इंटू रेस्ट, रेस्ट में मेरे पास बाकी सारा 4 का पावर 3, ओके, और ये 7 का पावर 3, और इज इक्वल टू मेरे पास 3, ब्रैकेट यहाँ बढ़ाते हैं तो हो गया 1 का पावर 3, कंपेयर करने के लिए रखा हुआ मैंने अपॉन 2, बस आने ही वाला आंसर आपके पास ये, और ये 7 का पावर आपके पास 3। ओके, लेट्स मूव ऑन, कंपेयर मारा 3 3 कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये 2 आपके पास है, इस 2 को अंदर भेजा जाए, इस 2 को अंदर भेजा जाए, तो जैसे मैं इसको यहीं पर भेजा, जैसे इस 2 को अंदर भेजा गया, तो ये तो 3 रहा, ठीक है ना, ये 2 अंदर गया और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आया। ओके, नाउ वी कैन इजीली कंपेयर इट, वी कैन इजीली कंपेयर इट, 3 3 कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, 7/3 कैंसिल आउट, देन जी कंपेयर मारा 4 का पावर 3 दैट मीन 64, जो आपने कमेंट में कमेंट किया हुआ दैट इज द आंसर, 64 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।